हाय मेरे अजीजों, कैसे हो आप लोग? मस्त, बढ़िया या फिर प्यार में? वेल, आप सोच रहे होंगे कि तनु, तू तो आज ना पूरी पागल हो गई है, ये क्वारंटाइन और सोशल डिस्टेंसिंग के टाइम पे प्यार मोहब्बत की बातें। वेल, मैं आपको बता दूं कि प्यार ना उस चिड़िया का नाम है जो कहीं भी किसी को भी आके चुग सकती है। हां जी, तो जब मैं कॉलेज में थी ना, तो मेरे फ्रेंड्स मुझसे अक्सर आके पूछते थे, यार ये लड़की ना मुझे बड़ी अच्छी लगती है, पता ना कैसे पता करूं मुझे पसंद करती है कि नहीं, या यार ये लड़का ना मेरी तरफ देखता तो है बट कंफर्म कैसे करूं कि मुझसे प्यार करता है भी कि नहीं, या शादी के बाद भी ना मुझे तो लगता मेरा हस्बैंड ना मुझसे प्यार ही नहीं करता, मेरी तरफ देखता ही नहीं है, या यार पता नहीं यार मुझको तो लगता है मेरी वाइफ ना मेरी तरफ देखती ही नहीं है, क्या करती रहती है। अगर आपके दिमाग में भी ये सारे सवाल आए हैं तो चलिए आज इन सब सवालों का जवाब हम दोनों मिलकर ढूंढते हैं। हाँ जी, तो पॉइंट नंबर वन जो मुझे लगता है वो ये है कि अगर कोई भी लड़का या कोई भी लड़की आपसे प्यार करती है या आपको पसंद करना शुरू कर रहे हैं ना, तो देखना जो चीजें उनको सबसे ज्यादा पसंद है ना, अगर वो चीजें छोड़ के भी वो आपके लिए टाइम निकाल रहा है या निकाल रही है, मतलब दोस्तों कुछ तो कनेक्शन बन रहा है। वेल, मैं आपको बता दूं, मेरे हस्बैंड का नाम ना डेनिस है, तो आपसे डेनिस बोलो ना तो समझ जाना किसके बारे में बात कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड ना, जब उनको ना स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, उनको खेलना कूदना फिटनेस बहुत पसंद है, बट वो इन सब चीजों से भी ना मेरे लिए हमेशा जब मुझे जरूरत होती है ना तो टाइम निकाल लेते हैं। मतलब कि भाई साहब, वो ना मेरे लिए तो फ्लैट है बिल्कुल। तो चलिए, ये तो हुई मेरे हस्बैंड की बात। और अगर आपके पार्टनर में भी ये सारी चीजें हैं और अगर आप देख रहे हो कि जो चीजें उनको बहुत पसंद है उस चीज को छोड़कर वो आप पे ज्यादा ध्यान दे रहा है, मतलब वो आपको इम्पोर्टेंस दे रहा है, राइट? मतलब कि आपसे प्यार करता है। पॉइंट नंबर टू ये है कि दोस्तों, अगर कोई भी लड़का या कोई भी लड़की आपके ड्रीम्स को वैल्यू दे रहा है या जो आप जिंदगी में करना चाह रहे हो उस चीज में वो भी पार्ट बन रहा है, मतलब कि आप सही दिशा में जा रहे हो, बंदा या बंदी कनेक्ट हो रही है आपसे। हाँ जी, क्योंकि ना बहुत जरूरी होता है, जब हम किसी को लाइक करते हैं ना तो हम अपना फ्यूचर उसके साथ देखते हैं, हम ये देखते हैं आगे चल के जो हमारी लाइफ होगी ना उसमें वो हमारे साथ कहाँ खड़ा होगा। तो अगर आपका आपका जो पार्टनर है वो लड़का या लड़की है, अगर आपसे आपके फ्यूचर की चीजें भी डिस्कस कर रहा है या जो आप बनना चाहते हो उसमें वो भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, जैसे कि अभी जब मुझे वीडियो शुरू करना था ना, तो आपको पता है मेरे हस्बैंड वो पहले इंसान थे जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया था कि ट्विटी या तनु, तू कर सकती है, ट्राई करके तो देख, मुझे ऐसा लगता है कि तू कर सकती है। वेल, अगर कोई बंदा आपको आपके ड्रीम्स को परस्यू करने में हेल्प कर रहा है ना, मतलब वो आपसे बहुत प्यार करता है। तो ये हो गई पॉइंट नंबर टू की बात। अब आते हैं हम पॉइंट नंबर थ्री पे। पॉइंट नंबर थ्री ये है दोस्तों कि अगर कोई भी लड़का या कोई भी लड़की आपकी बातें सुनता है, हाँ जी, अगर वो आपको सुनने के लिए अपनी जिंदगी के बिजी स्केड्यूल से भी टाइम निकालता है ना, मतलब कि वो आपको बहुत पसंद करता है या आपको बहुत पसंद करती है। तो ये हो गई पॉइंट नंबर थ्री। अब आते हैं बात पॉइंट नंबर फोर की। पॉइंट नंबर फोर ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझना, बट आपको ना ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है? पॉइंट नंबर फोर ये है कि कोई भी लड़का या कोई भी लड़की अगर आपके छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख रहा है, जैसे कि आपको खाने में क्या पसंद है वो तो नॉर्मली मुझे लगता है आपके दोस्तों को भी पता होगा, बट आपको खाने के बाद क्या करना पसंद है, बैठना पसंद है, वॉक पे जाना पसंद है या फिर चॉकलेट खाना पसंद है, अगर वो लड़का या लड़की आपकी छोटी छोटी ऐसी छोटी छोटी चुंटू चुंटू सी चीजें ना नोट करता है या नोट करती है और वो आपको वो चीज देने की कोशिश करता है उसके बाद या कोशिश करती है, मतलब कि टाका बिटवा, कांग्रेचुलेशंस। चलो, तो ये हो गई पॉइंट नंबर फोर की बात। अब आते हैं पॉइंट नंबर फाइव पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पॉइंट नंबर फाइव ये है दोस्तों कि हमने अक्सर सुना है, जब भी हम अपने लव लाइफ के बारे में किसी से बात करते हैं ना, तो हमारे दोस्त यार ये बोलते हैं, यार ये देख कि वो बंदी या बंदा ना
तू जब दूसरे लड़कों के पास होती है तो जेलस होता है कि नहीं, या तू जब दूसरे लड़कियों के पास होता है, लड़कियों से बात करता है तो जेलस होता है कि नहीं? वेल, मैं आपको बता दूं, मेरा एक्सपीरियंस उल्टा है। मेरा ये मानना है, या मैं ये रियलाइज किया है अपनी रिलेशनशिप में जो कि मेरे हस्बैंड के साथ है, वो ये कि अगर आपका पार्टनर आपसे बहुत प्यार करता है ना, तो वो आप पे ट्रस्ट करेगा, वो आप जिससे मिल रहे हो ना उसकी वजह से जेलस भी नहीं करेगा, और अगर करता भी है ना तो वो आपको नहीं दिखाएगा। हाँ जी, जेलस चीजें फील करना और वो चीज शो करने में बहुत डिफरेंस है। तो इस चीज को ना हमें ध्यान देना है, हमें अपने पार्टनर को देखना है कि ठीक है, हम जब किसी से मिलते हैं या किसी से बात करते हैं, थोड़ी देर के लिए उसको लगता है कि ये क्या क्या हो रहा है, या थोड़ी सी जेलस फील होती है, बट क्या वो हमारे रिलेशनशिप में अभी भी वो स्पेस मुझे दे रहा है या मुझ पे ट्रस्ट करता है कि नहीं? अगर आपका पार्टनर आप पे ट्रस्ट करता है तो इससे बढ़िया बात कोई हो ही नहीं सकती मेरे दोस्तों। हाँ जी, तो चलिए अब आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट पॉइंट है, नंबर भूल गई मैं, नंबर अपने आप ही लगा लो, चलो नंबर जो भी है, अगर आपका पार्टनर आपके जितना क्रेजी है और आपका मेंटल लेवल और उसका मेंटल लेवल बिल्कुल मैच कर रहा है अभी भी या पहले भी या कर रहे आगे करेगा, आपको लगता है पूरी जिंदगी, आप जितने क्रेजी हो या आप जितने फन लविंग हो या आप जिन चीजों को प्यार करते हो, अगर आपका पार्टनर वो सारी चीजों को पसंद करता है या अपने आप को चेंज कर रहा है ताकि वो सारी चीजों को पसंद करे, मतलब कि हाँ जी हो गई बात। हाँ जी, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मुझे ना स्पोर्ट्स बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल मतलब बिल्कुल पसंद नहीं है, क्या बताऊं, चलो थोड़ा बहुत पसंद है, मान लेती हूँ थोड़ा बहुत पसंद है, लेकिन आई एम नॉट अ वेरी स्पोर्ट्स फ्रीक, बट मेरे हस्बैंड को ना स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, उनको क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, तो जब मुझे उनसे प्यार होने लगा ना, तो आई मेड श्योर कि जो चीजें उनको पसंद है ना, उन चीज के बारे में और नॉलेज गेन करूं, थोड़ा सा जानूं कि क्रिकेट होता क्या है, उसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं। और आपको पता है, जब ये चीजें करने लगी ना, मुझे भी स्पोर्ट्स ना कहीं पसंद आने लगा। हाँ जी, ऐसा होता है। तो अगर आपके पार्टनर के साथ ऐसी चीजें हो रही हैं, या अगर आप अपने पार्टनर में वो चीजें देख रहे हो ना, मतलब कि अभी भी दिल का कनेक्शन है, ठीक है। अब आपको मैं एक लास्ट पॉइंट बताती हूँ, ये मेरी तरफ से टिप्पणी है, या बोल सकते हैं टिप है। तो कोई भी रिलेशन या कोई भी इंसान ना दोस्तों परफेक्ट नहीं होता, तो हमें ना अपने पार्टनर में परफेक्शन नहीं ढूंढनी चाहिए, बल्कि जो उनकी ड्रॉबैक्स हैं या जो उनके अंदर नेगेटिव पॉइंट भी है ना, उस चीज़ को हमें रियलाइज करना चाहिए कि अगर हम उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए राजी हैं, या हमें ऐसा लगता है कि हम उन चीज़ों के साथ भी अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकते हैं, मतलब कि वो आपके लिए बिल्कुल सही पार्टनर है। क्योंकि वो कहते हैं ना, परफेक्शन इज अ मिथ, इंसान है यार, हम परफेक्ट होते तो भगवान होते, है कि नहीं? तो चलो, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, आपको अपनी अजीज अच्छी लगी, अजीज के लाल कपड़े अच्छे लगे, मजाक कर रही हूं, तो ना प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और लोगों के साथ शेयर करो, क्या पता मैं कब किसी के काम आ जाऊं। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू एंड स्टे सेफ। Bye-bye.